मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गुरदासपुर के 16 वर्षीय आकाश कुमार के बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जिन्होंने मृत आकाश के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और जल्द से जल्द आकाश के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हर जगह दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बिहार की निरंकुश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। बिहार सरकार से हमारी मांग है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर आकाश के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। डराने के लिए, इस पूरे समाज को, परिवार को डराने के लिए आपने जो किया है, इस पर तत्काल रोक लगाए और जो इस मृतक का जो ये जो लड़का यहाँ जिसकी हत्या हुई है उसकी गिरफ्तारी करने के लिए आप ओझा कुंदन ओझा की गिरफ्तारी करें और जो लोग उसमें शामिल है उसको जेल के सलाखों में डालें और इस परिवार को न्याय दिलाएं, स्पीडी ट्रायल करें और इस परिवार को उचित मुआवजा मिले और मिलकर के एक ऐसा माहौल पैदा करें जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान में हमें चलने का, बढ़ने का, जो हम गरीबों का अधिकार है उस अधिकार को जो छीनने की जो साहस कर रहा है उस पर रोक लगाए। हम लोग ये भी जानते हैं यही वह जगह है जहाँ दलितों पर सबसे बड़ा अत्याचार अगर भारत में हुआ था तो दलित जी कृष्णिया की हत्या हुई थी और उस डीएम के हत्यारे को जब जेल से छोड़ा गया है, जब से जेल से छोड़ा गया है, सामंतवादी और मनवादी व्यवस्था जो है सर चढ़ करके बोल रही है। यही वह जगह है जहां अगर हम सड़क के किनारे खड़े होते तो ये वही सड़क वही पर जगह थी जहां जी कृष्णिया साहब की हत्या हुई थी और आज उस हत्यारे को छोड़ने से ही सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था है सर चढ़ करके बोल रही है और ये चाचा भतीजा की सरकार एक अपराधी को नहीं छुड़ाए है, एक अपराधी को जेल के सलाखों से नहीं छुड़ाए है, ये सामंतवादी व्यवस्था को फिर से आगे किए हैं, मनुवादी व्यवस्था को फिर से आगे किए हैं और यही व्यवस्था है जो दलितों पर अत्याचार, शोषितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर, वंचितों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार करने का साहस रखती है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करने आए हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े होकर के इस परिवार के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, परिवार पर जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार में जरूर इसे न्याय मिलना चाहिए और स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल होकर के अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद किया जाए। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। सावन माह की चौथी व पुरुषोत्तम मास की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का गेहूं से हुआ महाश्रृंगार। इसके पूर्व महंत अभिषेक पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गरीबनाथ का षोडशोपचार पूजन व पंचामृत स्नान करा रुद्राभिषेक कराया, जिसके बाद महाश्रृंगार कर आरती की गई। मौके पर महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि सावन माह की चौथी सोमवारी व पुरुषोत्तम मास की दूसरी सोमवारी बाबा गरीबनाथ का गेहूं से महाश्रृंगार किया गया। ये अपने आप में अद्भुत है। आज से पहले कभी भी पूरे भारत में कहीं पर भी भोलेनाथ का गेहूं से श्रृंगार नहीं किया गया, ऐसा पहली बार हुआ है जब गेहूं रूपी महाश्रृंगार बाबा गरीबनाथ का किया गया। उन्होंने बताया कि सभी भक्तों में इस गेहूं रूपी प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जो भक्त भी इस गेहूं को अपने भंडार गृह में रखेंगे उनका भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। लगभग कितने कांवड़िया जलाभिषेक किए हैं।